अनदर एपिसोड। हमारा ये 8th एपिसोड है। यहाँ पे हमारे पास आयन ओर से हमारे पास आर्मर हो गया। अभी हमें टेंशन नहीं है कि हम ज़ोंबी से कैसे लड़ेंगे, ज़ोंबी से जल्दी डिफीट नहीं हो गए क्योंकि हमारे पास आर्मर है। यहाँ पे हमने एक केव ढूंढा था, यहाँ पे रही केव। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा कोल ले लेंगे, जैसे कि ऊपर हमने काफ़ी कोल यूज़ कर लिया तो हमें कोल के भी घर रहेंगे, तो हमें टॉर्च क्रिएट करने का टेंशन नहीं। जैसे कि आपके पता है कि हमने कोल के वजह से 64 टॉर्चेस ले लिया है। यहाँ पे है हमारे 64 टॉर्चेस, 64 से ज़्यादा नहीं होगी कि गेम का मैक्सिमम लिमिट 64 रहता है एक ब्लॉक में। ओके, हमारा एक पिक एक्स ख़त्म हो गया, हमको टेंशन नहीं क्योंकि हमने दो एक्चुअली पहले से बना चुका था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कोल जमा कर लेंगे ताकि आगे जाके, यहाँ पे कोल से हमें एक्सपी मिलता है विच इज़ वेरी गुड। तो हम 6 लेवल के हैं। यहाँ पे हमारा मेन मिशन चालू होगा, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमें स्केलेटन्स भी होंगे, ज़ोंबी भी होंगे, स्पाइडर भी होंगे, एंडरमैन भी मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे ग्रास मिला, क्या बात है, अभी तक कोई मिला नहीं। सर्वाइवल मोड ही है ना, मैं प्लीज़ चेक कर लूँ, पीसफुल है। ओके, इसलिए नहीं मिल रहा था, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ज़ोंबी मिलेंगे, बट आई नो इट्स नॉट बैड, अच्छी बात है। आपको पीसफुल मोड की वजह से आपको थोड़ा सा सिखा सकता था, बट नो प्रॉब्लम, हम सर्वाइवल खेल रहे हैं बिकॉज़ इजी रहना थोड़ा बहुत इजी हो जाता है, बट हमें सर्वाइवल खेलेंगे तो हमें थोड़ा, जैसे कि मैं डिक करता जा रहा हूँ, हमें कोल मिलता जा रहा है। ये देखो, जैसे कि यहाँ पे अंधेरा है, इसी जगह पे जो ज़ोंबी है, जो कुछ भी मॉब्स है, वो यहाँ पे स्पॉन होते हैं जो हमें मारते हैं। यहाँ पे हम टॉर्च रखेंगे तो यहाँ पे ज़ोंबी जो है वो स्पॉन नहीं होगे। सो इट्स बेटर दैट हम जहाँ पे भी जाएँ वहाँ पे काफ़ी सारी रोशनी रखें और हमें दिखता भी रहेगा और ज़ोंबी स्पॉन भी नहीं होते रहेंगे। तो ये कोल का बेस्ट यही है कि हम जहाँ पे भी जाए हम टॉर्च लगाते रहे। यहाँ पे लाइट कम है, यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम आगे जाएंगे, यहाँ पे हमें ज़ोंबी मिलेंगे, ये रहा ज़ोंबी, पहला ज़ोंबी। ओके, वहाँ गोल्ड है, मतलब यहाँ पे पास में डायमंड होगा। हमारे पास ये रहा स्वॉर्ड, ये पानी के वजह से नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको बात करता जा रहा हूँ, वरना आपको अब तक मार चुका था। यहाँ पे मैं, ओके, यहाँ से मैं इस ज़ोंबी के पास पानी की अपने आप बताया, यहाँ पे ज़ोंबी गया, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लेके आयरन लेने से पहले गोल्ड मिला है, गोल्ड यहाँ पे, क्या बात है, ज़ोंबी स्पॉन नहीं हुए। बैक जा रहे हैं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि ज़ोंबी नज़दीक आ रहे हैं, तो उससे पहले हम गोल्ड ले लें। हमारा गोल्ड किधर था, यहाँ पे है गोल्ड। यहाँ पे मैं आयरन पिक एक्सिस लिया बनाया था ताकि क्रीपर से काफ़ी डरना, क्रीपर आए तो भाग जाए प्लीज़। ये रहा हमारा गोल्ड, देखो यहाँ पे मैं गोल्ड मिल गया। अभी मैं ये चीज़ स्टोन पिक एक्स लूँगा तो ये जो है हमारा जो गोल्ड है वो नहीं मिलेगा, इसलिए आयरन पिक एक्स था। जैसे आयरन पिक एक्स आएगा तो हमें देखो फास्ट तोड़ देगा ये। यहाँ पे आयरन ओर लेंगे, यहाँ पे हमें ज़ोंबी की आवाज़ आ रही है जो काफ़ी डरावनी है, जिससे हमारी हेल्थ कम हो गई है। हेल्थ बचाने के लिए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे,
अभी एक चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट बोलना थी कि हम जब भी नीचे जाए हमें फूड लेना चाहिए। देखो मेरा फूड नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ज़ोंबी आके मुझे मारेंगे, तो हम यहाँ पे जल्दी से मर जाएंगे। यहाँ पे ज़ोंबी कहाँ है जो आवाज़ कर रहे हैं? यहाँ टॉर्च लाना, नीचे लावा है जैसे आप देख सकते हैं, लावा है, वहाँ पानी है, वहाँ रेडस्टोन है। एक चीज़ आपको बताना था कि हमारा एरिया एक और लावा, डोंट वरी वहाँ पे हम नहीं जा रहे। यहाँ पे मैं टॉर्च लगा दूँगा, ज़ोंबी आसपास में ही है, डोंट वरी यहाँ पे काफ़ी लाइट है और ज़ोंबी आएंगे तो अपना मर जाएंगे, सो डोंट वरी। अच्छा आई गेस यहाँ पे एक केव है इसलिए यहाँ पे ज़ोंबी की आवाज़ आ रही है, डेफिनेटली केव है। क्लिक करते जाएंगे तो ज़ोंबी की आवाज़ बढ़ती जाएगी जिस तरफ से आ रही है। आपको हेडफोन में सुनाई देगा कि किस तरफ से आपको ज़ोंबी की आवाज़ आ रही है। यहाँ टॉर्च डाला, यहाँ पे मेरी हेल्थ तो कम हो गई पर मैं यहाँ पे मीट खाऊंगा, हमें गोल्ड मिल गया। एक और इसके लिए आयरन और ओके, इसलिए तो आयरन पिकैक्स लिए थे ताकि हम जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ले सकें। ये हाँ हमारा काफ़ी आयरन और हो गया है, 10 आयरन और है, गोल्ड और, गोल्ड और, आयरन और तो काफ़ी मिलते हैं। सो लेट्स गो बैक एट आ हाउस। आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे तुम्हारा घर था। यहाँ से हम आए थे, यहाँ पे हम जंप करे थे, यहाँ से हम ज़ोंबी के लिए एंटर हुए थे, याद आया? तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ओके। यहाँ पे फ्लावर्स कैसे आए? पर कुछ आके आए और यहाँ पे हम आयरन ओर लेंगे। एक चीज़ आपको बताना था कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका गोल्ड किधर है, डायमंड किधर है? जैसे हम अंडरग्राउंड जाते जा रहे हैं तो यहाँ हम F3 यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस जो रहेगा, देखो एक्स है वो 17 है, वाई जो है 26 है, 11 जैसा आएगा वहाँ पे हमारा जो है ऐसा डिक करते जाएंगे। तो जैसे 11 और 10 होगा वहाँ पे हमें गोल्ड मिलेगा, तो यहाँ पे हम डिक करते जा रहे हैं। ये रहा आयरन, तो उसके लिए हम आयरन ओर लेंगे। आपको कुछ दिख रहा नहीं है लेकिन देखो अब मैं जैसे कि जैसे ही नीचे जंप मारूंगा तो 24 से 23 हो गया, देखें 24 23, ऊपर जाऊंगा 25 26, तो उसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि आप 11 पे कब पहुंच गए। और जैसे ही 11 पे पहुंच जाएंगे आप स्ट्रेट डिक करेंगे, इस तरह का डिक करेंगे 1 2। यहाँ पे मैं F3 से हटाऊंगा और यहाँ से हम स्ट्रेट जैसे फर्स्ट ए में हम केव करे थे उसी तरह हम डिक करेंगे, इस तरह स्ट्रेट करते जाएंगे। यहाँ पे हमें कोल मिल गया, वेरी गुड। इसलिए कोल का आपको टेंशन नहीं है, बट फर्स्ट डे आपको जब घर बनाना हो, यहाँ आपको कहीं एक्सप्लोर करने गए हो और आप फंस गए हो, तो जार से आप चाकुल बना लें, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके यहाँ पे ज़ोंबी स्पॉन हो सकता है इसलिए हम टॉर्च लगाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हम फिर से घर चले जाएंगे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने देखा कि काफ़ी बहुत बड़ी केव थी यहाँ पे, कि केव आपकी एंड हो जाएगी। यहाँ पे ज़ोंबी की राइट साइड में आवाज़ आ रही है इसलिए राइट साइड पे एक केव है। हमने यहाँ पे जो कुछ भी केव है तो हम डिक करते जाएंगे।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।